गुड मॉर्निंग, कैसे आई हो? सब बढ़िया होगा, बढ़िया रहना। और अभी सुबह के बज रहे 6 और मैं इतनी जल्दी क्यों उठ गया हूँ ये भी बताते यार। अभी कहीं का प्लान है घूमने का, और अभी ये एक बैग रेडी हो चुका है, एक और है वो बड़ा वाला बैग, तो वो भी चलते घूमने। और ये मैंने नया माइक परचेस किया है, जो मेरे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वाले होंगे सब लोग को पता लग चुका होगा, और आप लोग भी फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर दो यार। मैं कुछ भी खरीदता हूँ या कहीं का प्लान बनता है अचानक से, जहाँ पे भी होता है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन वहीं आ जाती है आप लोग को, कहाँ का क्या कर रहा हूँ। और इस वीडियो से पहले जो इंस्टा फैमिली है उन लोग को पता भी लग चुका होगा कि अभी मैं कहाँ हूँ, तो इसीलिए बोलते हैं इंस्टा पे फॉलो कर लो यार। तो सुबह स्टार्टिंग से ब्लॉग करना मैं भूल गया था, क्योंकि क्या हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा रात में लेट सोया हूँ, उसके वजह से मेरे को इतनी नींद में था कि मेरा कुछ समझ के करूँ कि नहीं करूँ। तो ठीक है, अभी उठ चुके हैं, अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं, और अभी बस तुरंत निकलते हैं। ये भाई हमारे रिम्मी, कैसे रिम्मी? रिम्मी रेडी हो रहा है, और मम्मी भी बस सामान वामान उठा रही है, और बस अब निकलते हैं। और ये अपना नया माइक है, एंड इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है तो वो भी बता देना। तो चलो चलते आगे। तो फिलहाल अभी निकल रहे घर से, अपना ऑटो आ चुका है, और एक ही बैग है, एक बैग पीछे रखा हूँ भैया, और एक बैग बस टांगा और एक रिमी अपना बैग रखा हुआ है। तो फिलहाल अभी निकलते हैं ऑटो में, और कुछ भी रोज दिखाते हैं आप लोग को, तो मिलते हैं आगे। अभी पहुंच चुके रेलवे स्टेशन और निकलते आ गया, और वैसे भी अपन ऑन टाइम है, ज़्यादा लेट तो है नहीं, अपन अपनी ट्रेन का टाइमिंग 8 बजे का, और हम लोग पहुंच चुके हैं वही 7 बजे के आसपास, तो सीधा चलते अंदर। और तो ट्रेन अभी आ चुकी है, और बस सब निकलते हैं तुरंत, और सब अभी पीछे खड़े घर वाले, और ये मम्मी खड़ी आज। तो अब ट्रेन आ गई है, हम बैठते हैं और बस कहीं जा रहे हैं, बताते हैं आगे, तो मिलते हैं। तो फिलहाल अभी सीट मिल चुकी है और बैठे हैं, और अभी देखते हैं कुछ खाने पीने को, कुछ खाएंगे पिएंगे, भूख लग रही है क्योंकि मैं सुबह से कुछ खाया पिया नहीं हूँ, और बता रहा हूँ मैं चाय तक के नहीं पी हूँ। अभी देखते हैं ट्रेन में बैठे बैठे चाय वगैरह पी मिलते हैं आगे, और कुछ कुछ बाकी ट्रेन के रोल्स वगैरह मिलेंगे तुम लोग को, जो तुम लोग को देखने मिलेंगे, और मिलते हैं आगे। तो फिलहाल अभी ट्रेन निकल चुकी है, और चलते अपनी मंजिल की ओर, और तुम लोग देखो कुछ भी रोज, तो एंजॉय करो। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर, सफर कैसा है ये सफर, अच्छा हुआ चाय लेके आ गए, मैं सुबह से चाय नहीं पिया हूँ यार, इंडियन मॉम लोग का ये काम अच्छा रहता है। तो अभी क्रॉस हो चुका है, मतलब क्रॉस हुआ नहीं, हो रहा है काटा पारा, और देखते हैं बिलासपुर कितने देर में पहुँचते हैं। बिलासपुर का एग्जैक्ट टाइम तो दिया 10 बजे का, क्योंकि हो सकता है जल्दी पहुँच जाए, शायद कंफर्म नहीं है। एंड इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है भाई ट्रेन में वो भी बता देना, अभी ज़्यादा फास्ट तो चल नहीं रही, नॉर्मल है, बट एक आध क्लिप में डाल दूँगा जो फास्ट वाली थी उसमें, और कुछ बैठ के भी शॉर्ट निकाल लूँगा, तो बताना कैसी आ रही है इसकी ऑडियो क्वालिटी ट्रेन। आई होप कि 12 बजे तक ट्रेन पहुंच जाए, बढ़िया है यार, क्योंकि मतलब बैठे बैठे
इतना बोर हो गया हूँ ना, बाइक में ट्रैवल कर करके इतनी आदत सी हो गई है ना, तो ट्रेन यार नहीं वो सारी बिल्कुल। तो आप लोग भी कमेंट करके बताओ यार, आप लोग को क्या पसंद है, ट्रेन या ऑन, तो ज़रूर कमेंट करके बताओ। फिलहाल अभी पहुँच चुके हैं बिलासपुर में, और भाई साहब ट्रेन का कलर देखे ना भाई, मतलब बहुत कुछ अभी चेंज हो चुका है ट्रेन में, और पहले का कलर कुछ और होता था ब्लू कलर का, और अभी कुछ और हो रहा है। तरक्की हो रही है इंडिया की, और भीड़ बहुत है, मास्क वगैरह के दिखाते हैं। कैसा है ये सफर? देख लो गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ है और क्राउड ज़्यादा है, तो थोड़ा डिस्टेंस कोविड का भी फॉलो करना पड़ रहा है। ठीक है, आराम से चलते हैं, वैसे भी कौन सा अपने को इतना जल्दी है, घर जाके आराम ही करना है, तो मिलते हैं सीधा कार के पास। तो भाई साहब इतना ज़्यादा क्राउड है ना, पूछो मत, और अभी वेट हो रहा है सन्नी का, कब आता है तो देखते हैं। बहुत लेट है बेटा, तू जल्दी आ बेटा, कभी टाइम पे आना सीख लो, समझे ना। मैं आके खड़ा हुआ था, साले खड़ा हुआ था, वहाँ चले गया है। पूर्वा आते ही जाम मिल गया, ड्राइवर साहब निकाल पाओगे ना आज? कैसे मेरे को भरोसा नहीं इस पे। गुड़गांव में चलाता है तो कुछ नहीं। चलो आज तुम्हारे ड्राइविंग टेस्टिंग होगी। साहब कभी तो पटका बांध लिया करो। अभी आया। कैसे हो ब्रो? तो भाई साहब आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद कैसा लग रहा है मिलके? लड़का काम करने लग गया है अब। कैसा है, कैसे चल रहा जॉब? घूमना है 2 दिन। ठीक है, ये बोलता है एक शर्त में मैं जाऊंगा, अगर मेरे को गाड़ी चलाने देगा। मैं बोला भाई मैं यहीं रह रहा। अबे सुनना, मैं नहीं जा रहा भाई, मैं जा ही नहीं रहा भाई। ड्राइव कौन कर रहा है? तू करेगा, मैं नहीं जा रहा। मैं नहीं जा रहा अगर ये गाड़ी चलाएगा तो। बे गेट तो खोल। झटके लग रहे हैं तो भाई, पूरा सिस्टम मिल गया भाई हमारा, अब तो चलो भाई अच्छा है, अब थोड़ा अच्छा रोड आया। और ये कोरबा का घंटा घर, और इधर मार्केट वगैरह लगे हुए हैं, और ये घंटा घर। भाई साहब इतना क्राउड, ले मम्मी बोल रही है बैग लेके आओ, है यहाँ यही करने के लिए बुलाया हो क्या? भाई मैं घर आया था, मेरी मम्मी बोलती है पर्दे लगा दे, अभी जस्ट अंदर घुसा, पर्दे लगा देगा कुछ कोई इज्जत नहीं है भाई अपनी, हम लोग से यही काम होता है। तो भाई अब आते हैं बैग लेते, फिर ऊपर चलते, फिर और दिखाते। तो नानी क्या हो ना, तो तीसरी मंजिल तक चढ़ना सबसे डिफिकल्ट काम है भाई, पैदल पैदल चढ़ू, और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट तो ऐसे सामान उठा के जाना। हेलो हेलो हेलो, सत श्री अकाल मासी जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, कैसे हो? फाइन थैंक यू। व्लॉगिंग बना रहा है?
श्रीकाल नानी जी, कैसे हो? कैसे है मेरा बच्चा? बढ़िया, ये देखो सुक्का बच्चा मेरा, आज लग रही ना सब। नाना जी सस्ती भाभी का जो आज सब बहन लोग मिलने वाले, कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है, सब परिवार एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। एक बार सस्ती का मम्मी जी, वेलकम बैक माय व्लॉगिंग चैनल में, खुश रहो। अरे मेरे भाई निहाल कैसा है? हमारी फैमिली है, अभी आधे लोग हैं, अभी और आने वाले हैं, और थोड़ा सा लाइट कम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेना। कैसे मारेगा तू? मैं मार दूंगा, चल बस, भाग भाग, ये वाली मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा। अबे हो गया ना, काम कर, मिट्टी में अबे गिर जाएगा, निहाल राखी तू ही बांधना, अबे बच्चे वो दे भाई, खतरनाक हो रहा है भाई ये, अभी का सीन ना भाई अलग ही हो रहा है, ये निब्बा बन गया अभी तो, निब्बा भाई, लाइट वाली मेरे को बनवा दे यार। तो गाइस अभी निकल रहे हैं भाई से एक जन से मिलने, और हमारे ड्राइवर साहब जी थोड़ा सा काले आ रहे हैं, बट एडजस्ट कर लेना क्योंकि लाइट ना इसके फोन में पूरा काला दिख रहा हूं। तो भाई भाई मैं क्या कर सकता हूँ भाई, लाइट ही नहीं है तेरे यहाँ, तो मिलते आगे गाइस, लाइट नहीं है अभी, सॉरी। तो फिलहाल गाइस अभी मैं चलाने वाला हूँ अपनी पल्सर NS 160 जो भाई की है, भाई ऐसे फेस कर देना। और भाई अपने कितने टाइम से बोल रहे थे भाई, जब भी रायपुर कोरबा होगे तो ज़रूर मिलना, तो अब भाई से मिल लिए भाई, बहुत अच्छा लगा मिल के भाई से, पहली बार मैं मिल रहा हूँ, तो चलते अब मैं इसको चलाता हूँ, इस ब्यूटी को। भाई कुछ नाम वाम रखे हो क्या? नहीं नाम नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, घूमते और दिखाते इसकी राइड। तो फिलहाल गाइस आ चुका हूँ मैं अभी घर, और भाई के साथ ब्लॉग ज़्यादा नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तुम लोगों को दिख ही रहा होगा अच्छे से, हम लोग दिख भी नहीं रहे थे, तो ठीक है भाई अब अच्छा लगा यार, आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहा करो यार, और ऐसे ही मिलते रहा करो, तुम लोग मिलते हो ऐसे बात करते तो बहुत अच्छा लगता है यार, और बस ऐसे प्यार बनाए रखो, और अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा देना।